नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो प्रमुख खबरें हैं वो हैं पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नत से संबंधित, उसके बाद में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो 1150 पदों के लिए आवेदन लिया गया था उसकी परीक्षा की तिथि आज घोषित हो जाएगी, ये खबर है। फिर जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट से संबंधित कुछ खबरें हैं, और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की एक दूसरी खबर है कि अब इसमें लिपिकीय पदों की बहुत जल्दी भर्ती पूरी होगी, और 13 साल पहले एक भर्ती हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। उसके बाद में जो खबरें हैं कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और रेलवे ग्रुप डी की, तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जल्द घोषित होगी परीक्षा तिथि, तो इसकी जो परीक्षा की डेट क्लियर नहीं हो रही थी तो इसके लिए विद्यार्थियों ने कल इलाहाबाद में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। और वही खबर इसमें लिखा हुआ है इस पेपर में कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। हो सकता है कि मंगलवार को ही परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाए, और सोमवार को UPHESC में प्रदर्शन करने हेतु अभ्यर्थियों को आयोग के सदस्यों ने यह आश्वासन दिया है। तो ये डेट हो सकता है कि आज घोषित कर दी जाए और इनकी परीक्षा भी बहुत जल्द अब करवाई जाएगी। और नीचे लिखा हुआ है कि 1650 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तकरीबन पूरी की जा चुकी है, केवल 2 विषयों की परीक्षा होनी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। तो दोस्तों जिसकी ये बातचीत चल रही है उसकी उसकी डेट है आज घोषित हो जाएगी। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ खबरें। हाँ, ये जो खबर है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पद पर कार्यरत है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी संख्या में काफ़ी भारी मात्रा में इन कांस्टेबलों की पदोन्नति हो रही है। नीचे लिखा हुआ कि प्रदेश में 33,000 कांस्टेबल प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनेंगे, इसके साथ ही 7500 हेड कांस्टेबलों को SI बनाया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इनकी सूची फाइनल करके DGP कार्यालय को भेज दी है, जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, और उसके बाद में जो है जो अगली खबर है वो पुलिस भर्ती में जो लिपिक लेखा गोपन कार्य के लिए लंबे समय बाद होंगे चयन। नीचे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी होगी पूरी। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी लिपिक लेखा और गोपन कर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं। और 2016 में घोषित भर्ती की जो परीक्षा सपा सितंबर 2017 में कुछ तकनीकी खामियों के चलते निरस्त हो गई थी, उसी पर नए सिरे से लिखित परीक्षा होनी है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि काफ़ी समय से ये भर्ती नहीं हो पा रही थी, दो बार ये भर्ती निरस्त हो चुकी है, और ये भर्ती बहुत जल्द ही पूरी होगी। फिर दोस्तों ये एक अलग से खबर है जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए है कि जो उनका महंगाई भत्ता जो हर साल मिलता है वो मिलेगा दीपावली में। नीचे लिखा हुआ कि 16 लाख से ज़्यादा राज कर्मचारियों को बड़ा महंगाई भत्ता पाने के लिए एक महीना और इंतज़ार करना होगा। दरअसल अक्टूबर में मिलने वाले वेतन में सरकार बड़ा वो भत्ता नहीं देगी, इसे अक्टूबर के वेतन यानी कि नवम्बर में दिया जाएगा। तो राज्य सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों को दिवाली का बोनस और बड़ा महंगाई भत्ता एक साथ दे दिया जाए, तो ये उन कर्मचारियों के लिए खबर है। उसके बाद जो अगली खबर है कि रेलवे ग्रुप डी की धांधली की खबरें लगातार आ रही हैं, सिलसिला लगातार चालू है। फिर से देखिए एक खबर आई है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 3 मुन्ना भाई समेत पकड़े गए। ये लखनऊ में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। उसके बाद में जो अगली खबर है वो गोरखपुर की है। कल ही गोरखपुर से भी बहुत सारे विद्यार्थी पकड़े गए हैं। गोरखपुर से अभी तक लगभग 10 मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं, और ये जो तो दोस्तों इसमें जो है जो मिली भगत है वो सेंटर संचालकों की भी है। खैर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये दोस्तों कल की ही खबर है गोरखपुर की। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि रेलवे परीक्षा में एक और सावर दबोचा गया। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा में रविवार को बसारतपुर स्थित परीक्षा से एक और सावर। तो दोस्तों ये लगातार खबरें ग्रुप डी की आ रही हैं कई तरह से,
और इसके बाद जो खबर है वो है जूनियर इंजीनियर एई का परिणाम जो है उसके बारे में कोई बात नहीं हो सकी है, और पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा है 2016 की उसके रिजल्ट को लेकर के अधिकारियों ने बताया कि इसका जो रिजल्ट है वो प्राथमिकता में है और ये रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा अक्टूबर में। 100% संभावना है इस रिजल्ट की अक्टूबर में आने की। उसके बाद में दोस्तों जो अगली खबर है वो है रेलवे ग्रुप डी विद्यार्थियों की। रेलवे ग्रुप डी में लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं 17 सितंबर से, उनसे ये पता चल पा रहा है कि लगभग 70% विद्यार्थी ही अपीयर हो रहे हैं। ये अभी हाल ही की रिपोर्ट है, ये अखबार में छपी हुई है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में सोमवार को 26,884 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा में कुल 37,367 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। तो दोस्तों ये एक वो है कि बहुत कम विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, और खैर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल नहीं हो रहे हैं वो कंपटीटर भी नहीं हैं। कंपटीटर तो बहुत कम ही है जिनसे आपकी लड़ाई है, जिनसे आपकी प्रतिस्पर्धा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप लोग जो है एएलपी वाली गलती मत करिएगा, जैसा कि एएलपी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने 65-85 प्रश्न किए थे और बाद में उनका 22-23 हो गया निगेटिव मार्किंग की वजह से। तो इस बार आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको 65 प्रश्न ही करना है या 50 के ऊपर ही करना है या 60 के ऊपर ही करना है। जितने आपको क्वेश्चन आते हैं आप उतना करिए, आप बाकी बंद कर दीजिए, चाहे आपको 40 प्रश्न आए या 45 प्रश्न आए। तो इसका ख्याल रखिएगा, रेलवे की जो ग्रुप डी परीक्षा है उसमें एएलपी वाली गलती मत करिए। और तो ठीक है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी से संबंधित एक खबर है। और दूसरी खबर ये भी है कि रेलवे ने फिर से एक नोटिस जारी की है और बताया है कि हमने जो है मंगलसूत्र और बिछिया को रोकने में कोई हमने नहीं रोका है, वो पहन करके आ सकती हैं। जैसे कि कल खबर आई थी बहुत सारे समाचार अखबारों में कि रेलवे ने परीक्षा में महिलाओं को बिंदी, मेहंदी और मंगलसूत्र इत्यादि पर रोक लगा दी है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। इसके बाद में एक खबर है जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, अपने कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो बता देता हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। इस पर बहुत जल्दी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसमें वो बहुत कुछ समस्याएं थी, ऐसी सूचना सुनने को मिली है कि इसमें जो खेल कूद का जो प्रमाण पत्र है बहुत सारे विद्यार्थियों का फर्जी प्रमाण पत्र लगा था, तो उसकी स्क्रूटनी हो रही है, जांच हो रही है और ऐसे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। वो बात की बात है, लेकिन जाँच चल रही है, उसके बाद ही जो है फाइनल रिजल्ट बनेगा। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे फेक निकल आए हैं तो उसकी वजह से ये रिजल्ट लेट हो रहा है, ताकि कोई बाद में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और ये कहा गया है कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 7 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रही आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।